हाय हिमाक्षी। हेलो मैम। ओके हिमाक्षी, विल यू प्लीज टेल मी एनी वन वीकनेस ऑफ योर्स एंड व्हाई व्हाई डू यू कंसिडर व्हाट एवर द वीकनेस यू आर गोइंग टू टेल मी इज योर वीकनेस। मैम माय नर्वसनेस, बिकॉज अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है तो जल्दी से नर्वस हो जाती हूँ, दैट्स व्हाई। Nervousness, okay. And in your presentation, you have mentioned catastrophic consequences. What do you mean by that term? Remember? In your presentation, you have mentioned catastrophic consequences. What do you mean by that term, catastrophic consequences? I don't know, ma'am. You said in your presentation, due to catastrophic consequences, something, something, something. So you don't know the meaning of that term? No, ma'am. Okay, it is a word used for the harmful. It is a synonym of harmful or like terrible. Okay, that's it. This Okay, is ma'am. all Thank about, you. from my Thanks a side. lot. Yes, Nirushri ma'am, please go with your questions. ओके हिमाक्षी, गुड आफ्टरनून हिमाक्षी। ठीक गुड आफ्टरनून मैम। है, सबसे पहले काम डाउन। यस मैम। अब माय क्वेश्चन कि यू हैव रिटन दैट यू वांट मतलब सम काइंड ऑफ चैलेंज थ्रू विच यू कैन समवेयर नर्चर योर एनालिटिक जो होती है, एनालाइज करने की जो क्वालिटी होती है वो वाली, है ना। तो चलो, इफ आई रिलेटेड टू योर टॉपिक, इफ यू एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ COVID-19, तो उसको एनालाइज करके उसको आई वांट योर डिफरेंट व्यू पॉइंट, मतलब योर एनालिसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटाज एंड ऑल। ऑब्वियसली डेटा एट द बैकग्राउंड रहेंगे माइंड में, बट उसको अगर यू क्रिटिकली वांट टू थिंक, तो उससे कुछ ऐसा पॉइंट जो विच इज समथिंग एल्स जो कहीं और मेंशन नहीं है, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। मैम वैसे तो मैं अगेंस्ट ही हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी से, पर वो तो आई बिकॉज एम आस्किंग अबाउट COVID-19, यू आर सेइंग अबाउट नरेंद्र यस मोदी। दैट नो शोकेस मैम, कोविड मैम दैट शोकेस इज दी पॉलिटिकल साइड ऑफ हर्स रादर देन दी व्हाट डू इज एनालिटिकल व्यू। यू शुड गिव द एनालिटिकल व्यू व्हाई यू आर अगेंस्ट इट व्हाटएवर इज हैपनिंग। आर यू हैविंग एनीथिंग एनालिटिकल अबाउट इट? सर, एक तो जीडीपी गिर गई, सबसे बड़ा इश्यू तो यही है अभी तो। वैसे कौन सी कंट्री की नहीं गिरी हिमाचल? तो सबकी गिर गई सर, बट वी आर फ्रॉम इंडिया आर वी तो अगेंस्ट द वर्ल्ड नाउ? गो टू मार्स? नो सर, नो सर। अच्छा, यू फाइन। जस्ट गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। यस मैम। Himachi, your point of view, please, rather than reading anywhere else, just give your point of view, whatsoever is coming in your mind. सर, एक तो जीडीपी गिर गई लॉकडाउन की वजह से, मतलब COVID-19 की वजह से, हाँ। और सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर और एक लेबर के ऊपर। अच्छा, ओके। ओके हिमाक्षी, ओके विनीत सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सरोज मैम, योर क्वेश्चन प्लीज। यस यस सर। हेलो हिमाक्षी, हेलो मैम। न्यू टू आवर स्कूल आर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बी काम, यस जस्ट मैम। चिल। ओके, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होता तो कैसे डील करता? आप जिसको सपोर्ट करें या आप जिसे सोचें कि वो कैपेबल होता इन कंडीशंस को डील करने के लिए, या आप खुद होते उसकी जगह, तो कैसे डील करते, कैसे प्रोटेक्ट करते अपनी कंट्री को? सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता पहले तो मैम, कोविड सबसे नाइनटीन को पहला डील करने के लिए? सबसे पहला स्टेप लॉकडाउन पहले बताना चाहिए था, उसके बाद लगा दे तो फिर भी इतना बड़ा इशू नहीं होता इसके ऊपर।
that's the main reason. Okay. अच्छा, एक example के साथ बात करें कि अचानक से आपको फोन कॉल आए घर पर कि फैमिली के मतलब बहुत नियर डियर वन आपके यहाँ पर कोई 10 मेंबर्स आने वाले हैं, तो फिर उसके लिए प्लान करना हो तो कैसे करते हैं? फिर हम उसे बोलते हैं कि भाई पहले हमें टाइम देते तो हम ज्यादा अच्छे से व्यवस्था कर पाते, या फिर हम उसको मैनेज करने के लिए राइट उस पीक मोमेंट पर हम उसके लिए कुछ मिलजुल कर कोशिश करते हैं कि हम उसे डील करें ताकि आने वाला कंफर्टेबल रहे और हम उसको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड कर सके, उसे कोई परेशानी ना हो, या फिर हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं या हम उसे कंप्लेन करते हैं कि भाई तुम हमें पहले बता देते तो हम ज्यादा अच्छे से डील करते. No, ma'am. Teamwork is very important, I think. Teamwork important yes. है. तो नेशन का चाहे पीएम हो चाहे कॉमनमैन हो, उनकी एक परफेक्ट टीम होना चाहिए. जब हम क्राइसिस में होते हैं तो हमें पॉलिटिकल व्यूज को ध्यान में रखकर के कभी भी अपनी मेंटालिटी अपनी आइडियोलॉजी नहीं डिसाइड करनी चाहिए, है ना? तो COVID-19 जो है एक इतना मेजर प्रॉब्लम था और जितना बेस्ट मैनर में डील. मैम नेटवर्क हैज लेफ्ट सो हिमाक्षी आई विल कंटिन्यू विद द थिंग. जितना बेस्ट मैनर में डील किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दे हैव डन इट. ओके दैट्स व्हाट आई बिलीव सरोज बिकम मैम वुड हैव टू यू वुड हैव. आई डोंट नो अबाउट दैट व्हाट वुड बी द कंप्लीटिंग लाइन. बट हिमाक्षी वन क्वेश्चन टू यू. As you have said, means आपका जो सामने मेरे सवाल कुछ और था, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन तो मेरा अभिलाषा मैम ने पूछ लिया कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा वो सिंपल सा पूछना चाहूंगा कि why you are having such a political, basically I won't say the political side, I would say politically you are extremely influenced. Why? इन्फ्लुएंस नहीं सर, बट आ रहा है कि आपकी एनालिटिकली आपकी नॉलेज नहीं है कि क्या चल रहा है. आपको नहीं पता COVID-19 में क्या हुआ, वर्ल्ड में क्या हो रहा, आपको नहीं पता, तो फिर आप पॉलिटिकली इतने इन्फ्लुएंस क्यों, क्योंकि अदरवाइज यू कुड नॉट से यू आर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस. व्हाई द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा कोई मेन रीजन नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही खराब है, बट जिस तरह से चल रहा है मैं लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि खराब तो मतलब पीएम ही है. आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से थोड़ी जाओगे, आप डेटा सर्वे रिसर्च वर्क के अनुसार जाओगे, तभी तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो. सर वैसे तो अगर अपन डेटा या किसी भी चीज पर जाएं तो रियलिटी तो कुछ भी नहीं है. रियलिटी क्या है सर? रियलिटी कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा? अरे मतलब सर ऐसे रियलिटी नहीं, बट सर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सामने से कोई पूरी बात बताए, सब लोग आधी बताएंगे. आदि कैसे फुल बात तो वैसे भी कोई नहीं बताता. पूरी कैसे बताई जाती है हिमाशी? अगर आप ऐसे ही थॉट्स रखोगे तो आप कभी एनालिटिकल नहीं हो पाओगे. मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एनालिटिकल होना है, कंक्लूसिव होना है, आपको चाहिए कि आपका एक व्यू पॉइंट बने, आपकी एक ओपिनियन बने, रदर देन बींग इन्फ्लुएंस्ड बाई पीपल ऑन यूट्यूब ऑन मीडिया और एनीवेयर एल्स इन योर फैमिली. सो यू शुड योरसेल्फ ट्राई टू क्रिएट योर ओन डेटा. डेटा को रिसर्च करो, वो डेटा कहाँ से आया उसको रिसर्च करो, जो ड्राफ्ट्स आ रहे हैं उसको पढ़ो, देन मेक योर ओपिनियन रदर देन जस्ट गोइंग बाय द व्यूज ऑफ द पीपल सराउंडिंग यू. ओके दिस इज जस्ट टू गिव यू अ सजेशन. बाकी आपके ऊपर है, आप आगे बढ़ोगे, आप आगे वाले यूथ हो, आप देश को बनाओगे तो देख लो आपको कैसे बनाना. ठीक है, थैंक यू सो मच हिमाची फ्रॉम योर साइड. थैंक यू.